मैं, मुझसे नहीं हो रहा। होगा भी नहीं। इधर आओ, मैं करती हूँ। तोप से बारूद निकालना हर सिपाही के बस की बात नहीं है। हमसे पूछो, हम इस जंग में माहिर हैं। और अब तुम मेरी जान मैदान जंग के लिए तैयार हो। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी और साथ में 5 और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, आई फाउंड आउट, सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया बिकॉज जो वो कर रही थी वो बहुत गलत था। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। मे बी द प्रॉब्लम लाइज विद यू। Nobody gives you the right to slap a girl. चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी और साथ में 5 और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, आई फाउंड आउट, सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया। ये तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। नोबडी गिव्स यू द राइट टू स्लैप अ गर्ल। वेट अ मिनट, हु आर यू? चारों को, एक भी नहीं 4। सर 4 नहीं है, बहुत है। 4 से ज्यादा है? 4 वो है जिनको मैंने मारा है। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी और साथ में 5 और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, आई फाउंड आउट, सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया बिकॉज जो वो कर रही थी वो बहुत गलत था। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ओ आंटी, कितनी होशियार हो तुम। मे बी द प्रॉब्लम लाइज विद यू। अगर वो वहां जाके चीट कर रही है, मे बी शी वाज फीलिंग थ्रेटन्ड बाय यू। चलो चलो, ये देखो, आजा चलो चलो। नोबडी गिव्स यू द राइट टू स्लैप अ गर्ल। ये आपका प्राइड है, आप बहुत प्यारी बातें करते हो। चल चल, ये लो। It's her choice. Of course. Yeah? Nobody gives you the fucking right to slap a girl. Nani? Omae wa mou shindeiru. Mere paas koi alfaz nahi hai, mujhe maaf kar de aap log sare, mujhe chutti de de. मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूं। आप हु द फक आर यू टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन? हु द फक आर यू टू एक्सपेक्ट फकिंग लॉयल्टी इवन फ्रॉम योर ओन पेट डॉग? हु द फक आर यू? सर, इफ आई एम शोइंग लॉयल्टी, इफ आई एम, लेट्स से आई एम एंग्री मदरफकर एंड एक्सपेक्ट यू टू बी एंग्री विद मी मदरफकर। I expect you to be a mirror fucking reflection of me. Be it. Sir, agar maine be a mirror fucking reflection of me. Agar aapne galti ki hai, fucking dickhead. To agar galti ki hai to sir saza kuch na kuch to milni chahiye. Galti tell you the reason why. Galti tere chuke bolti hai. Tere chuke galti. Sir, usne confess bhi kiya. Confess kya kiya? Usne dusre se pyar kiya. So usne confess khud kiya. She was with me because I was famous in college. To bas to kya galti hai? Usko fashion walk karna tha, usko ramp pe aana tha, isliye usne ye sab faltu ki mere saath kiya. To pata tujhe kyun mara? Because you felt hurt. But the truth is that gender inequality still exists.
Why differentiate between a boy and a girl? ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। वो है जिनको मैंने मारा है। तो किसने कुछ कहा था? हाँ, कुछ ना मतलब होता है कि रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर देते हो और कुछ भी बोल दोगे। कैसा लगा मारने के बाद? मजा आया था? हाँ। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। Maybe the problem lies with you. Check yourself first. अगर वो वहां जाके चीट कर रही है, maybe she was feeling threatened by you. Maybe you are not providing physically, mentally, emotionally, whatever she needed. Don't say कि मैं सब करता था. मैंने उसे पूछा. Nobody gives you the fucking right. Nobody gives you the fucking right to slap a girl. ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है. भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया, धोखे से निकल गई आज के? मैं मरी जाऊंगा भगवान, बचाओ मेरी मम्मी मेरी माँ। मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई आज। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मार, मार। बताइए क्या बोला सर? जब कॉलेज में था, रियली लाइक द फीमेल। मैंने कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं रहा हूँ। आई हैव नेवर बीन डिसऑनेस्ट। मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया। जो भी किया सच्चे दिल से किया, पूरे दिल से किया, हमेशा से। तो व्हेन आई लव द गर्ल, आई एक्सपेक्टेड ओनली वन थिंग, लॉयल्टी। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी, और साथ में पांच और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, पांच और, आई फाउंड आउट, सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया। इट वॉज अ इम्पल्सिव डिसीजन। मैं और भी कुछ कर सकता था, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया, बिकॉज जो वो कर रही थी वो बहुत गलत था। एंड आई लिटरली रिग्रेटेड। मैं कुछ और भी कर सकता था, उसको शायद अब्यूज कर सकता था, उसके घर पे ले जाता उसको और बोलता कि भाई ये क्या कर रही है तू, तेरे घर वालों को पता चले। पर वो थोड़ा इंपल्सिव डिसीजन था। Really happy to have you here. I can only say one thing, you're a really well brought up guy. What's your name? Hazel. No, what's your full name? Hazel Grace Lancaster. Why are you looking at me like that? Because you're beautiful. Oh my god. What's your name? Hazel. No, what's your full name? Hazel Grace Lancaster. Why are you looking at me like that? Because you're beautiful. Oh my god.